लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई अब होगी फिर से शुरू। चीन के मुद्दे पर राज्यसभा में हुआ हंगामा, विपक्ष का वॉकआउट क्या होगा? पीयूष गोयल बोले, ये निचले स्तर की राजनीति है। सांसद के शीतकालीन सत्र में सोमवार यानी कि आज के दिन फिर से चीन का मुद्दा गूंजा। इसे लेकर राज्यसभा में विपक्ष ने हंगामा किया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हुई झड़प के मुद्दे पर चीन चर्चा करने के नोटिस को अस्वीकार किए जाने के बाद विपक्ष में वॉकआउट किया। वहीं राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं नज़र टुडे और मैं हूं आपके साथ मुस्कान पांडे। अब बताते हैं आपको कि पीयूष गोयल ने क्या बोला। ये निचले स्तर की राजनीति है। दोनों सदनों में चीन के मुद्दे पर हंगामे को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, विपक्ष निचले स्तर की राजनीति कर रही है। कई ऐसे संवेदनशील मुद्दे होते हैं जिस पर यूपीए सरकार के दौरान भी चर्चा नहीं की जाती थी। उन्होंने कहा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारी सेना को डीमोटिवेट करते आ रहे हैं। खड़के बोले, चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़के ने लोकसभा में कहा कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। इस मुद्दे पर हम चर्चा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम सदन में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही है। अब लोकसभा में उठा कश्मीरी पंडितों का मुद्दा। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आज कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ रहे हैं। आतंकी कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने के लिए उनके नामों की लिस्ट तैयार कर रहा है। ऐसे में सदन में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर बड़ी चर्चा होनी चाहिए। इस साल कोयला प्रोडक्शन 900 मिलियन टन रहा। कोयला मंत्री प्रमेद जोशी ने लोकसभा में कहा कि साल 2024 में हमारा प्रोडक्शन 566 मिलियन टन था। इस बार हमारा कुल प्रोडक्शन 900 मिलियन टन रहा। साल 2015 तक हम 1000 मिलियन टन का प्रोडक्शन करेंगे। वहीं कानून और न्याय मंत्री किरण ने लोकसभा में निरसन और संशोधन विधेयक साल 2022 पेश किया। इसके अलावा सांसद मनोज झा ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए राज्यसभा में नोटिस दिया। चीन के साथ सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस किया। कांग्रेस सांसद जेबी माथरे ने चीन के साथ सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए राज्यसभा में नियम 267 के तहत सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया। तवांग में चीनी सैनिकों को घेर कर पीटते दिखाई दिए हमारे यानी कि भारत के सैनिक। अरुणाचल में भारत और चीन के सैनिकों में झड़प का एक वीडियो सामने आया है। वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर आपको इस वक्त दिख रहा होगा। चीनी सैनिकों ने जैसे ही टेम्परेरी वॉल पर लगी तारबंदी को तोड़कर भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की, तभी भारतीय सैनिकों ने इनका जमकर मुकाबला किया और उन्हें खदेड़ दिया। साल 2013 में जिनपिंग राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद वो माओ की हथेली और पांच उंगलियों की पॉलिसी को तेजी से आगे लेकर जा रहे थे। साल 2013 के बाद से लगातार 2-3 सालों से चीन ऐसे आक्रामक कार्रवाई कर रहा है। चाहे साल 2017 का डोकलाम विवाद हो, साल 2020 का गलवान हो या साल 2022 का अब का अरुणाचल विवाद हो, ये जो झड़पें हैं इन्हें छोटे तौर पर नहीं लिया जा सकता। ये यह एक ट्रेलर देती है कि आने वाला वक्त में चीन भारत से युद्ध की हद किस तक जा सकती है। अब देखना यह होगा कि चीन और भारत का ये युद्ध कब रुकता है। क्या यह एक ट्रेलर है या आने वाला कोई बड़ा खतरा। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नजर टुडे। नमस्कार।